तो मध्य प्रदेश में विधायकों के तो अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन क्या वहां के लोगों के अच्छे दिन आ चुके हैं? क्या वो खुश हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधायकों की सैलरी अब 71,000 से बढ़कर 1,10,000 रुपए प्रति महीने होगी। साथ ही मुख्यमंत्री की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है। अब मुख्यमंत्री की सैलरी 1,43,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दी गई है। बहुत अहम सवाल ये है कि क्या जो ये सैलरी बढ़ाई गई है किस आधार पर बढ़ाई गई है? दूसरा ये कि क्या एक तरीके से हम ये कहें कि लोग वहां पर जो योजनाएं हैं, कई बार ये कहा जाता है कि पैसे की कमी है और इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या प्रदेश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है? इसकी कितनी जरूरत थी? क्या ये जो पैसा बढ़ाया गया ये और समस्याओं को सुलझाने में नहीं किया जा सकता था इसका इस्तेमाल? क्योंकि अगर हम कृषि की बात करें, किसानों की हम बात करें, तो हर तरफ किसान बदहाल है, परेशान है, उनको पैसे नहीं मिलते, मुआवजा नहीं उन तक पहुंच पाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मध्य प्रदेश से भी हमें इस तरह की खबरें देखने को मिली थी और दूसरी ओर विधायकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है। देश की कैबिनेट से विधायकों के वेतन भत्ते, माननीय उपाध्यक्ष, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्तों को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। चूंकि ये मामला विधानसभा में विधेयक के रूप में आना है, इसलिए विस्तार से बताने में असमर्थता है। तो तेलंगाना में कल ही विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई और अब मध्य प्रदेश में भी विधायकों की सैलरी में इजाफा होने जा रहा है। लेकिन सीधा सीधा सवाल ये उठता है, हम उन राज्यों की खास तौर पर बात करें, हम चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, यहाँ किसी से भी छिपी नहीं है किसानों की स्थिति। वो खुदकुशी भी कर रहे हैं, फसल खराब हो जाती है, उन तक मुआवजा कई बार नहीं पहुंच पाता है और ऐसे में बहुत परेशान है, कर से तंग आकर खुदकुशी भी हो रही है। लेकिन वही ये प्रदेश है जहाँ पर विधायकों की सैलरी में इजाफा करके उनके अच्छे दिन लाने की कोशिश जरूर हो रही है, भले ही प्रदेश की आम जनता परेशान क्यों ना होती रहे। तो इससे पहले कल तेलंगाना में विधायकों की सैलरी में 163% का इजाफा किया गया। अब तेलंगाना के विधायकों को 95,000 रुपए मासिक वेतन भत्ते की जगह 2,50,000 रुपए मिलेंगे। विधानसभा ने मंगलवार को वेतन भत्ता बढ़ाने से संबंधित एक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधायकों के अलावा विधान परिषद सदस्यों, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचेतक, सचेतक और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता 2,44,000 रुपए से बढ़ाकर 4,21,000 रुपए कर दिया गया है। तो सीएम चंद्रशेखर राव ने इस बढ़ोतरी को मामूली बताया। चंद्रशेखर राव का कहना है कि राज्य के बजट को देखते हुए ये कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद तेलंगाना के विधायक सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले विधायक हो गए हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। दिल्ली में भी यही हमें देखने को मिला था, विधायकों की सैलरी बढ़ी थी और ये बढ़कर 2,10,000 रुपए हो गई थी। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। थोड़ी ही देर में नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस और केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पहुंच चुके हैं इस वक्त नैनीताल हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को जो फैसला दिया, उस फैसले से कांग्रेस और केंद्र सरकार दोनों ही खुश नहीं है। कांग्रेस ने बागियों को वोटिंग का अधिकार देने को लेकर याचिका डाली, तो वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान फ्लोर टेस्ट के फैसले को चुनौती दी। आज इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होगी और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसकी पैरवी करेंगे। तो मुकुल रोहतगी जो इस वक्त पहुंच चुके हैं नैनीताल हाईकोर्ट में, और ये समझा जा रहा है कि थोड़ी देर में इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि कल शक्ति परीक्षण है और बताना होगा कि क्या वाकई संख्या बल है हरीश रावत के पास और या फिर बीजेपी के पास। सोनू सिंह हमारे साथ है। सोनू, अभी क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त जो है वो सुनवाई शुरू हो रही है और ऐसे में जब सुनवाई चलेगी कुछ देर तक, तो उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि परिणाम कुछ समय बाद आएंगे। उम्मीदें की जा रही है 2 से 3 बजे के बीच में संभवतः कोर्ट का कोई निर्णय आ सकता है। और चहल पहल देहरादून से लेके नैनीताल और नैनीताल से लेके दिल्ली तक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और ये भी माना जा रहा है कि जो
पार्टी के लोग हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो देहरादून में अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस के लोग अलग से एक बैठक कर रहे हैं तमाम विधायकों को लेकर के, क्योंकि सेंधमारी ना हो, ये भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा, जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अपने सभी विधायकों को देहरादून में ही एक गोपनीय स्थान पर ले जाकर के बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और किस तरह आगे की रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ये आपस में अपने नेताओं को लेकर, अपने विधायकों को लेकर उनके मनोदशा को जानने की कोशिश करेंगे और आगे किस तरह से इनकी रणनीति होगी उस पर होमवर्क करेंगे। बिल्कुल सोनू, लेकिन एक तरीके से ये कहें कि कानून के जानकार वहां पर क्या मान रहे हैं, क्या कोई उम्मीद की जाए या फिर एक तरीके से कहें कल जब एक फ्लोर टेस्ट होने वाला है इसका इंतजार कर लिया जाए। देखिए, कानून के जानकार अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन जो एक राय आ रही है कानून के जानकारों की वो ये आ रही है कि राष्ट्रपति शासन में ये किस तरह से संभव हो पाएगा, क्योंकि जो नेता सदन है वो कौन होंगे, संसदीय कार्य मंत्री का किरदार कौन निभाएगा और विपक्ष के जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे और जो ये लोग जो जिनको इन्होंने निलंबित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ये लोग जो है कांग्रेस के 9 विधायक हैं, आखिर इनका रोल क्या रहने वाला है, ये किस किस कैडर में गिने जाएंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर जो कानून के जानकार हैं वो मंथन कर रहे हैं क्या माना जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाक्य घटा है ये सिर्फ और सिर्फ विनियोग विधेयक के औरे से ही ये सब कुछ पैदा हुआ। ऐसे में 18 मार्च को हम कहें तो बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं, आपको पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये कहते रहे नहीं नहीं वो पारित हुआ है, विधेयक पारित हुआ है और ऐसे में इसीलिए वो कई बातें उठाते रहे हैं। फिलहाल सोनू इंतजार करते हैं कि कोर्ट की कार्यवाही जब शुरू होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी दलों में सेंधमारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्रों से खबर है कि रावत कैंप में सेंध के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को लगाया है। बताया ये भी जा रहा है कि सतपाल महाराज कोश्यारी से मिलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सतपाल महाराज के करीबी विधायकों को बागियों की जमात में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि और विधायकों को लाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के खेमे में सतपाल महाराज के जो भी विधायक हैं अब उनको बीजेपी में लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लंबा वक्त सतपाल महाराज का भी कांग्रेस के साथ रहा है और उस वक्त जब वो हुआ करते थे कांग्रेस में तो काफी बड़े लीडर के तौर पर उनकी एक हैसियत हुआ करती थी और आज भी उस खेमे के लोग उसमें मौजूद हैं और ये जो मीटिंग हो रही है इसे कई मायनों में सेंधमारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए बात अब करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर संगीन आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने आशंका जताई है कि केंद्र सरकार दिल्ली में भी गड़बड़ी पैदा कर सकती है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार को भी गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विधानसभा में बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आईबी के एक कथित अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि उत्तराखंड की सरकार गिराने के बाद केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। उनका दावा तो यहां तक है कि 21 संसदीय सचिवों को पहले बर्खास्त किया जाएगा और इसके बाद 23 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये है कि केजरीवाल के आरोपों में आखिर कितना दम है, क्योंकि केजरीवाल जिन संसदीय सचिवों की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जाँच चल रही है। तो सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या केजरीवाल अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र के माथे फोड़ना चाहते हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब उत्तराखंड के बाद कोशिश हो रही है दिल्ली सरकार को गिराने की। एक आईपी ऑफिसर आया था मेरे, उसने एक नाम बताया बहुत बड़े उद्योगपति का देश का, जिसका नाम अक्सर लेते रहते हैं। उसको जिम्मेदारी दी गई है कि इनके 23 विधायक खरीदने हैं। मैंने कहा 23 तो दूर की बात है, तुम हमारा एक खरीद के दिखा दो। तो असल में केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। संसदीय सचिव का दर्जा मंत्री के समकक्ष होता है और असल में संवैधानिक मजबूरियों के चलते मंत्री बनाने की एक सीमा होती है, लिहाजा पार्टियां इस तरह के पद देकर विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन केजरीवाल का ये फैसला मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 21 विधायकों को लाभ का पद मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है और विधायकों से 11 अप्रैल तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। मई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऐसा ही एक नोटिस भेजा था जब इन विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो क्या यही वजह है कि केजरीवाल केंद्र पर अब आरोप मढ़ रहे हैं, अपने बचाव के लिए वो इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम केजरीवाल को देखें तो जब भी वो फंसते हैं तो कहीं ना कहीं दलीलें शुरू हो जाती हैं, अपने बचाव में वो सीधा सीधा ठीकरा फोड़ने लगते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। इसी मामले पर कुछ देर पहले हमने इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंदर मिश्र से भी बातचीत की।
निश्चित रूप से जिस तरह का कानून देश में लागू है उस कानून के मुताबिक एक व्यक्ति दो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं रह सकता। और केजरीवाल ने सरकार बनते ही जल्दीबाजी में अपने उन तमाम विधायकों को दो दो पद से नवाज दिया जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के परिधि में आते हैं, और ऐसी स्थिति में ऐसे विधायकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लाजमी है। तो अब जब उनको लग रहा है कि उनके विधायक कानूनी जद में फंस रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, तो उधर से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने एक नया फिर स्टंट शुरू किया है। और हर अपनी विफलता के लिए, हर अपनी नाकामी के लिए उन्होंने एक फैशन सा बना रखा है कि या तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक देते हैं और नहीं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे टारगेट करते हैं। ये कमोबेश यही स्थिति हिमाचल में देखने को मिल रही है, यही स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, या उड़ीसा वहां पर अरुणाचल में भी देखने को मिली थी। और तो अभी एक तरह से फैशन बन गया है कि जो भी सरकार है या राजनीतिक दल अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को मैनेज करने में फेल हो जाते हैं, जो भी सरकारें या राजनीतिक दल गवर्नेंस के पैरामीटर पर फेल होते हैं तो वे अपनी विफलता अपनी अक्षमता छिपाने के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। और कमोबेश यही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, जहां जहां की गैर बीजेपी सरकारें हैं, और अगर वो सरकारें परफॉर्म नहीं कर पा रही है, डिलीवर नहीं कर पा रही है, और जनता की नाराजगी या उनके दल के विधायकों और सांसदों की नाराजगी उनके प्रति बढ़ रही है, तो उसके लिए वे अपने राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं, बजाय कि अपना ठीक करें, अपना घर व्यवस्थित करें, अपना संगठन ठीक करें। देश के अन्नदाता के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई कृषि बीमा योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री का सपना है कि अगले 5 साल में किसानों की आय दुगनी हो जाए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अन्नदाता को लेकर जितने संजीदा हैं, उनके कैबिनेट सहयोगी भी उतने ही संजीदा हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये तस्वीरें राजस्थान की, जहां मदद मांगने पहुंचे किसान पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भड़क गए। फसल तबाह होने से परेशान किसान की मदद करने के बजाय बालियान ने कहा जा कर ले खुदकुशी। सवाल यह है कि क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करेंगे? क्या ऐसे मंत्री देश के अन्नदाता की परेशानी को दूर करेंगे? आपको याद दिलाते हैं, इस बार बजट में भी बहुत प्रावधान किया गया है किसानों की दशा सुधारने के लिए, उनको कम से कम राहत मिल सके इसके लिए कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ये मंत्री, क्या ये, इनसे ये उम्मीदें की जाए कि ये किसानों के लिए कुछ कर पाएंगे? साहब मैं आत्महत्या कर लूंगा, हाँ यही कहा था किसान ने अपनी पीड़ा सुनाने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के उस भाव शून्य मुख की मुद्रा को देखकर, और मंत्री का जवाब था जा कर ले। चल जी, अब बोलना मैं था, हमने भेजा, हमने भेजा, सुनता ही ये सुनने में कतई अजब नहीं है, क्योंकि साहब ये सियासत है जहां संवेदनाओं का इम्तहान नहीं होता, जहां जज्बातों को जुर्म समझा जाता है, जहां संजीदगी सजावटी साजो सामान से ज्यादा कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो कसम से कभी कोई कृषि मंत्री किसी किसान से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि जा आत्महत्या कर ले। अब बोलना मैं था, हमने भेजा, हमने भेजा। कवि शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, मगर स्थिति ये है जय बालियान हाय किसान, क्योंकि किसानों को मुकद्दर ने इस कदर दगा दिया है कि फसल की वाजिब कीमत, नुकसान का मुआवजा और योजनाओं के लाभ के लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है और लड़ाई लड़नी पड़ती है मंत्री के उड़नछू हो चुकी संवेदना से, जो उसे आत्महत्या की बोतल में अपमान का कड़वा घूंट पिलाने पर उतारू हो और इसे सलीके से जायज ठहराने वाले लोग भी मिल जाए। ऐसा तो मंत्री जी नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल थर्ड क्लास का व्यक्ति होता है तो भी नहीं करता। एक वो मंत्री है जिनके जिम्मे पूरा राजस्थान चल रहा है।
मंत्री जी ऐसा भी नहीं था कि किसी शादी समारोह में थे, वो टोंक के मालपुरा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम में थे, यानी संवाद किसानों से ही था और किसानों के लिए ही था, लेकिन सब्र उससे भी कम। यही वजह है कि एक किसान बिजली अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का मुआवजा मंत्री जी के मुख से सांत्वना के शब्दों में चाहता था, मगर हाय रे फूटी किस्मत, किसान को जो न मिला वो विपक्ष को जरूर मिल गया। मुद्दा, जिस प्रकार का माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल बेहुदा बयान है। वैसे किसानों में काका चक्कर ही खराब है, किसान की कभी किस्मत खराब होती है, कभी कुदरत का कहर होता है, कभी कलेक्टर के कोप का शिकार होना पड़ता है और कभी कृषि मंत्री ही बोल देता है कि कुछ नहीं हो सकता, जा कर ले आत्महत्या। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 31 मार्च को एक दिन के दौरे पर बुंदेलखंड जा रहे हैं, यानी कि कल। सीएम के साथ आला अधिकारियों की टीम भी बुंदेलखंड दौरे पर जाएगी। इस दौरान सीएम बुंदेलखंड में राहत पैकेज अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों को राहत पैकेज जो दिए जाएंगे, इसमें खाने पीने का सामान दिया जाएगा। लेकिन सीएम के दौरे पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आला अधिकारियों के दौरे से बुंदेलखंड को क्या मिला जो अब सीएम बुंदेलखंड जा रहे हैं, तो इस दौरे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा है चूंकि अगले साल चुनाव है और ऐसे में बुंदेलखंड पर सीधे सीधे नजर है। बुंदेलखंड की बदहाली का हाल जानने के लिए अब यूपी के सीएम खुद बुंदेलखंड पहुंचने वाले हैं। अगले विधानसभा चुनाव में महज एक साल से भी कम वक्त बचा है, इसलिए यूपी के सीएम अब बुंदेलखंड पहुंचकर खुद ये जानेंगे कि आखिर सालों से सूखी इस धरती पर लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 31 मार्च को सीएम अखिलेश यादव अपने लाभ लश्कर के साथ लखनऊ से बुंदेलखंड के लिए रवाना होंगे। सीएम के साथ सूबे के मुख्य सचिव समेत तमाम सीनियर अफसर होंगे। दिन भर बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों का हाल जानने के बाद सीएम अखिलेश यादव रात को चित्रकूट में ही रुकेंगे। हाल के दिनों में यूपी सरकार के तमाम आला अफसर बुंदेलखंड का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों को लेकर विवाद भी हुआ है, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर एक और दौरे से बुंदेलखंड का हाल कैसे बदलेगा। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर पहले हुए अफसरों के दौरे से मिली जानकारी पर क्या कार्रवाई हुई है जो अब सीएम खुद बुंदेलखंड जा रहे हैं। इसके पहले राज्य के मुख्य सचिव गए थे, उनकी जानकारी में है कि योजनाएं नहीं पहुंची। जो नहीं पहुंची और जो कारण थे, क्या उनके निवारण हो गए? और ऐसा ना हो कि राज्य के मुख्य सचिव के दौरे के समय उनकी सुख सुविधाओं में ही पूरा अमला लगा रहा, तो ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है वो पूरा जो सरकारी अमला है वो इनकी सुख सुविधाओं में लगा रहे। सीएम अखिलेश यादव 31 मार्च को महोबा और चित्रकूट में जरूरतमंदों के बीच राहत पैकेज बांटने की योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत बुंदेलखंड के 1,71,667 परिवारों को राहत पैकेज बांटे जाएंगे। इस योजना के लिए यूपी में बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना के तहत गरीब परिवारों को एक महीने में 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 1 किलो घी, 5 लीटर तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर और 25 किलो आलू दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष के सवालों में समाजवादी पार्टी कह रही है कि विपक्ष को जरूरतमंदों की मदद से एतराज हो रहा है। ये बात जो लोग कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर उन्हें जमीन की वास्तविकता की जानकारी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहूंगा कि एक बार वह जाएं और जाकर जमीनी हकीकतों से अवगत हो। यह वातानुकूलित कक्ष में बैठकर कपोल कल्पना के आधार पर लिखा और बोला गया वक्तव्य है जिसकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। दौरे से पहले अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही बुंदेलखंड में पेयजल के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन करने का भी ऐलान किया है। जाहिर है साल भर बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए अखिलेश के दौरे और उनके ऐलान पर सवाल उठने तय हैं। अवनीश विद्यार्थी, इंडिया 24/7, लखनऊ।